नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप सुबह के समय करें। जब आप सो करके उठते हैं उस समय आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप हथेली दर्शन करें, जो आपका नित्य कर्म है। हथेली दर्शन करना, माता पृथ्वी को नमन करना, ये सारी क्रिया कर लेने के बाद आप इस उपाय को करें। दूसरा, जब आप नौकरी के लिए घर से निकल रहे हैं तब आप इसको 3 बार बोल दें। या फिर आपका अपना व्यवसाय है, बिजनेस है, तो जब आप अपनी ऑफिस में जाते हैं या जहां पर भी बैठ करके आप अपना काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क है तो अपनी टेबल पर बैठ करके, मतलब कि जहां पर भी आप अपना काम करते हैं, चाहे वो नौकरी का हो चाहे वो कोई व्यवसाय हो, आपको 3 बार इसको बोल देना है। या फिर आप सुबह उठते हैं तभी आपको इसको बोलना है। बोलना है आपको अपना ये कान पकड़ करके, कान के नीचे जो बूट है, जहां पर ये जो ऑर्नामेंट से पहने जाते हैं, बुट्टी वगैरह पहनी जाती है, इस जगह को छू करके, इस जगह को ऐसे पकड़ करके, और आपको बोलना है। चाहे आप घर पर बोल रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय के स्थल पर बोल रहे हैं, कहीं पर भी आप बोल रहे हैं, आपको बोलना इसी तरीके से। आप इसको अंगूठा और ये पहनी वाली उंगली, तर्जनी, दोनों से आप इसको पकड़ लें। पकड़ करके आप इसके ऐसे आराम से बैठ जाएं और 3 बार इसको बोल दें। दोस्तों, आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय चलेगा नहीं, दौड़ पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर जबरदस्त रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। पैसों को लेकर के कैसी भी तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। इसको आपको रेगुलर करना है। कोई दिन ये नहीं है कि आपको इसी दिन से शुरुआत करनी है। आप कभी भी, मतलब कि किसी भी दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जानकारी जो मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। अच्छी जानकारियों को फैलाने से पुण्य मिलता है। आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से यदि किसी का भला होता है, किसी की नौकरी चल पड़ती है, किसी का धंधा चल पड़ता है, तो उसका दशांश हिस्सा अपने आप आपको मिल जाता है। तो इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बता रही हूं, और वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? रिपीट कर दूं एक बार फिर से। जब आप सुबह सो करके उठते हैं, बेड के ऊपर ही बैठे बैठे आप इसको बोल लें। दूसरा, जहां पर बैठ के आप अपना काम करते हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय हो चाहे वो आपकी नौकरी हो, आप देखेंगे दिन दुगना रात चौगुना प्रगति होगी। हाँ, उपाय बताऊं उसके पहले दोस्तों, आप सभी को अलर्ट कर दूं, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कांटेक्ट ना करें। काफी फ्रॉड लोग वीना भदौरिया बन करके बैठे हैं। वे लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं और तरह तरह की ऐसी कमेंट करते हैं कि आपको यही लगेगा कि ये कमेंट मैं कर रही हूं। किसी भी कमेंट में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं डालती, और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा नंबर होता ही नहीं है, इसलिए प्लीज सावधान रहें। कई जगह पर कई लोग मेरे नाम की ऑफिस लेकर के बैठे हैं। गूगल पर आप देखेंगे ऑफिस पड़ी हुई है, अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया। सावधान रहें, फ्रॉड लोगों से कॉन्टेक्ट ना करें। यदि करते हैं तो फिर वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, ठीक है? तो दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, बड़े ध्यान से आप इसको सुने। ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, बहुत पावरफुल है। भंवर वीर तू चेला मेरा, भंवर वीर तू चेला मेरा, उठ खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल,
भंवर वीर की सो खाली नहीं जाए। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर की सो खाली नहीं जाए। ये शब्द आपको, ये मंत्र आपको 3 बार बोल देना है। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर की शौ खाली नहीं जाए। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र कभी खाली नहीं जाता, ये शायद आप सभी को मालूम होगा। साबर मंत्र बहुत पावरफुल होता है। ये ना सोचे कि सिर्फ व्यापार के ही लिए है ये मंत्र। आप जहां से भी अपनी अर्निंग करते हैं वो सोर्स को मजबूत कर देता है, ठीक है। जिन लोगों की दुकान में या व्यवसाय में ग्राहक आना बंद हो गए हैं, माल बिकना बंद हो गया है, वे लोग आंखें बंद करके करें। ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, नौकरी हो धंधा हो कैसा भी हो, बंद पड़ा है चल देगा, लक्ष्मी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। करके देखिए इस उपाय को, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।